हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ कि आपके घर में सब होंगे खुशहाल। तो फिर से लौट आया है विश्वास। तो हो चुका अपने स्टूडियो जाने का टाइम। आज मौसम भी वैसे ख़राब तो है पर बारिश तो आती नहीं। चलो तब तक चलते हैं हम स्टूडियो के लिए धीरे धीरे। तो आज बन रही है हमारी पहली बार स्टूडियो में मैगी, जो कि अंजलि बना रही है। और ये देखो, इसके यहाँ पर सीरियल भी चल रहा है भाई, फुल मज़े इसी की है। चलो ठीक है, मैं जा रहा। तो हो चुका है अपना खाना खाने का टाइम। अब जा रहा हूँ मैं फिर से रूम पे। अभी मौसम प्रो तो चला गया आगे, तो मैं जा रहा हूँ अब धीरे धीरे से पीछे। तो वो आ चुके हैं रूम के बाहर पे। और अंकल जी तो लेटे हुए हैं। तो आज पहुंच चुका हूँ मैं रूम पे और हर्ष भाई ने खाना भी रेडी कर लिया है। और तब खाते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर अपने स्टूडियो की ओर। तब तक हम लंच कर लेते हैं अपना। तो अपना खाना हो चुका है और अब निकल गया हूँ स्टूडियो के लिए। धूप भी बहुत ज़्यादा है और अभी कैप लाना भूल गया, तो भाई ज़्यादा ही धूप पड़ रही है सीधे मुँह पे। हाय। तो गाइस, अभी चल रही है हमारी शूटिंग टाइम। ये अपने भैया है DOP। खैर लड़की तो ये है नहीं, हम थोड़ा अभी कैमरा सेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है। और ये डिफ्यूज़र हमारा, तो अभी डिफ्यूज़र भी पड़ेगा थोड़ा, डिफ्यूज़र थोड़ा सैड पड़ जाएगी ना, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आँख नहीं खुल पाएगी। धूप बहुत तेज है क्या? अच्छा, एक बार इधर देखना कैमरे की ओर, क्या हुआ ज़्यादा ऐसे? अच्छा आईसो मामा ने क्या कहा था नहीं रहने का? आईएसओ तो कम बोल रहे यार, कम होगा ना? आईएसओ नहीं, आईएसओ तो वो बोल रहे 500 तक ही रखना। 500 में फिर अपर्चर कैसे मैनेज करूंगा? अच्छा, अपर्चर मैनेज करना है। अपर्चर फिर मैं अगर ज्यादा रखूंगा, हाँ, अपर्चर वैल्यू बढ़ाऊंगा तो फिर उसमें मुझे वैसा नहीं, लाइट नहीं मिल रही है। अच्छा, तो क्या कहा था, धूप में क्या, धूप में क्या करना है? तो मजे तो ये नहीं किया भाई, हमने तो यार डिफ्यूज़र पकड़ रखा धूप में। फिर अपने मामा जी भी आ गए फिर से सेटिंग करने के लिए कैमरे की। हम तो यार धूप में मर रहे भाई। तो ये लग चुका हमारा एंटी फिल्टर, क्योंकि धूप में ये बहुत काम आता है थोड़ा सा। अब ज़्यादा हो नहीं आएगा ना, नहीं तो धूप की वजह से बहुत ज़्यादा वो आ जाता है। तो हो गया अपनी स्टूडियो की छुट्टी, अब चलते हैं रूम की ओर धीरे धीरे। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ चीज़ बर्गर घर पे। हर्ष भाई चीज़ लेने जा रखे हैं मार्केट में, और तब तक मैं अपने टमाटर और प्याज को गोल गोल से मैं काट लेता हूँ। उसके बाद ये हमारे बंद के पैकेट और ये हमारे अंडे भी आ चुके हैं मार्केट से लेके हम, और थोड़ा सा कुछ सामान छोड़ गया तो हर्ष भाई बस लेके आते हैं। तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ आगे की। ये हमारा ऑमलेट बन के रेडी हो चुका है, और ये खीरा प्याज टमाटर भी काट चुके हैं और बंद भी काट दिए हैं। गुड नाइट, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।